और शुरुआत करेंगे मेल एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के साथ में विपिन जैन जी। मैं आग्रह करूंगा कि विपिन जैन जी मंच पर आएं, और मैं आग्रह करूंगा कि नीलू और अरविंद जी से भी कि वो मंच पर आएं और पुरस्कार से नवाजें हमारे इन कैटेगरीज के प्रतिभागियों को और विनर्स को। विपिन जैन जी के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि सन 2001 में इन्होंने सीएमएस कंपनी ज्वाइन करी और एक इस कंपनी का उन्होंने एक लीडर की तरह संचालन किया और इस कंपनी का कारोबार 300 करोड़ तक पहुंचा दिया। इंडिया के लार्जेस्ट कैश ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री बनाने के बाद इन्होंने स्व उद्यमी बनने का निर्णय लिया और आज इन्होंने 2011 में एक नए विचार और नए व्यापार को जन्म दिया और इस कंपनी का नाम है लॉजिकैश। हम श्री विपिन जी से आग्रह करते हैं कि वो मेल एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के पुरस्कार सम्मान को ग्रहण करें। मैं साथ साथ आग्रह करूंगा फीमेल फीमेल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में और क्योंकि कैटेगरी फीमेल एंटरप्रेन्योर की तो आप ही को बताना होगा। जी हाँ, और ये अवार्ड जाता है कनक मेघरा जी को, जो कि वैसे तो जयपुर के एक बहुत ही नामी गिरामी ज्वेलरी घराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वे अपने आप में एक संपूर्ण उद्यमी हैं। चाहे वो जो भी ज्वेलरी डिजाइन हो या फिर ट्रेंड में आने वाली कोई भी छोटी ज्वेलरी, वो अपनी क्वालिटी के साथ उन चीजों को पहले से ही फोकस कर लेती हैं। जब से वो इस व्यवसाय से जुड़ी हैं, तब से लेकर अब तक इस व्यवसाय को उन्होंने नए आयाम दिए हैं। सो वेलकम हियर कनक जी। जबरदस्त तालियां कनक मेघराज जी की स्व उद्यमिता की इस मिसाल के लिए। और साथ साथ मैं आग्रह करूंगा दीप्ति अग्रवाल जी से, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उद्यमिता की सूझबूझ को इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजी, ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुआ। मैं आग्रह करूंगा दीप्ति अग्रवाल जी से कि वो फीमेल एंटरप्रेन्योर के अवार्ड को ग्रहण करें। थैंक यू। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही मानवता के प्राण बसते हैं। फॉर श्योर, फॉर श्योर। टुडे आई फाइंड माई सेल्फ एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी रिसीविंग द प्रेस्टीजियस अवार्ड विच इज विरासत धरोहर अवार्ड 2013। दिस आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद ऑल ऑफ यू। दिस अवार्ड could not have been received by me until and unless I would have not received the inspiration from both of my parents and my husband, Mr. Sudhir Agarwal, who has given me the strength, who has given me the support to reach at this stage where I can just hold up this award with proud and can mark it as my achievement. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much.